तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा इंडिया से, और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल वर्जन के बारे में। तो आइए प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये है, अब प्रॉब्लम पहले देखो, आप फोन किया, सारी लाइट आ रही है, न्यूट्रल कर लो, स्टार्ट करो रेस, स्टार्ट हो गया। इतना लंबा सलफ लिया है, देखो स्टेयरिंग हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है स्टेयरिंग, और स्टेयरिंग की लाइट भी जल रही है, वो देखो चेक लाइट भी जल रही है। अभी आप यहाँ से देखो, मेरा ये एक्सीलेटर देखो, ये कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। देखो फुल दबा रखा है, जितना दबना चाहिए, लेकिन इंजन का कोई रेस नहीं हो रही है। देखो फुल दबा रखा है, सुन ही ना रहा बिल्कुल ही, यानी आरपीएम ले नहीं रहा है। और स्टार्टिंग देख ही सकते हैं कितना लंबा था, अभी दोबारा से देखो एक बार, ठीक है, ये इतना लंबा सल। अब देखो एक्सीलेटर बिल्कुल ले ही ना रही है, कुछ भी नहीं ले रही है। तो ये डायग्नोस करने वाले हैं क्या क्या एक एक चीज का, ठीक है। तो अभी इंजन का कंडीशन देखो आप, सबसे पहले ये देखो, गाड़ी स्टार्ट है, मिसिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, थोड़ा जराक सा भी देख सकते हैं। तब इसमें क्या क्या हो सकता है फॉल्ट, सारी चीज पे आज बात करेंगे, और बहुत कम समय लूंगा मैं, और ए टू जेड सारी प्रॉब्लम रिसॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एयर फिल्टर का ये वाला पाइप उतार के चेक करना होगा। सबसे पहले पाइप हमने उतार दिया, अब हमने डायग्नोस क्या करना है, सबसे पहले वहाँ कैमरा ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ चलो, जरा स्विच ऑन करो। अच्छा हाँ, स्विच ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, एक बार एक्सीलेटर का पैडल दो खाली, दे रहे हो, नहीं हो रहा है, दोबारा ऑफ करो, ऑन करो, एक्सीलेटर दो, फुल दो, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कमी ये है। अब इसमें इसमें कमी बहुत तगड़ी है भाई, अभी देख सकते हैं वायरिंगों का इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके कई सारे तारे बिखरे पड़े हैं। देखो एक ये इसका तार ही नहीं है, पता ही नहीं इसका तार नहीं होता है क्या, ये तार होता होगा, होता है, ये देखो, अच्छा ये वाला तार है, एक मिनट अरे कैमरा ही, हाँ एक सेकंड, ये वायरिंगों का फंडा है ज़्यादा। तो सबसे पहले वायरिंग रिपेयर करेंगे, उसके बाद से मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। अब तार वहाँ से जोड़ के लंबा सेल्फ तो लिया, हाँ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, दे तो रहा हूं मैं, हैं ना, तार जोड़ दिए वो, हाँ लगा के रखो, दे रहा हूं खुल, ना ना नहीं ले रही है। अरे वो तो ठीक, हाँ लगा दिया, नहीं ले रही है ना भाई, इतना ही ले पा रही है, चलो बंद कर दो, कहीं और से भी पंगा है इसके वायरिंग का, अब मुझे लग रहा वायरिंग का ही फंडा है, स्टार्टिंग लेट हो रही है, तो करंट सेंसर का फॉल्ट है, मिसिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, थोड़ा भी मिसिंग नहीं है बिल्कुल ही, देख ना रहे हो जरा सा भी, ये बंद करे गाड़ी, बंद कर, इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्रैंक सेंसर का फॉल्ट और ये वायरिंग का फॉल्ट है, इसके थ्रोटल बॉडी वायरिंग और क्रैंक सेंसर वायरिंग दो चीज का फॉल्ट है, हमें क्रैंक सेंसर बदल के देखना होगा एक बार स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग एक सेकंड, स्टार्टिंग के लिए हमें क्रैंक सेंसर न्यू डाल के देखना पड़ेगा या सेकंड डाल के देखना पड़ेगा, यदि उसके बावजूद भी लॉन्ग सेल्फ ले रही है तो फिर इसके वायरिंग का ही फॉल्ट है और वायरिंग ही रिपेयर होना है इसमें, और कोई इंजन के अंदर ऐसा इंटरनल कोई फॉल्ट नहीं है।
कहानी बनी नहीं इससे, देख सकते हैं। लो अभी दिखाता हूँ मैं वायरिंगों में कितना तगड़ा फॉल्ट है। आ जाओ देखो, इधर से तो बखेर रखा है, इधर से तो खोल रखा है हमने टेस्टिंग के लिए। अभी आपको लेके चलता हूँ सही लोकेशन पे। ये देखो चूहे ने कैसे कुतरा है वायरिंग, देख सकते हैं। ठीक है, ये चूहे ने कुतरा है और वायरिंगों का टुकड़ा देखो, ये देख रहे हो ना वायरिंग कैसे चूहों ने सही से धमाल मचाया इस गाड़ी में, जो बात है। ठीक है, ये पूरी वायरिंग ऐसे कुतरा है जैसे मानो कि क्या हो गया इसे, ऐसा राज आया है इसे, है? ठीक है, तभी बखेरी रहे, बाकी फॉल्ट ज़्यादा वायरिंग का है इसमें। ठीक है, तभी पूरा बखेरी रहे, देखते हैं क्या क्या और हो सकता है। जगह जगह मल्टीमीटर लगा लगा के टेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह मल्टीमीटर लगा के वायरिंग टेस्ट करते करते फॉल्ट तक पहुँच रहे हैं, तो अभी टेस्टिंग चली रही है कम्प्लीटली। ठीक है, देख रहे हैं सारी वायरिंग एक एक सप्लाई चेक कर करके देख रहे हैं ना सब। अब किधर पंगा है ये देखो, कितना बढ़िया इसको बना दिए, पता भी नहीं पड़ रहा तार टूटा हुआ था। ये थोड़ा सा निकल रहा है, ये इसको तो बना देंगे बढ़िया। आज वायरिंग में कंप्लीट करते करते तीसरा दिन है। अभी आपको प्रॉब्लम दिखवाता हूँ जो प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। स्विच ऑन कर जरा, एक्सीलेटर दे, ज्यादा दे, हाफ छोड़, और छोड़, और छोड़, थोड़ा सा दे, और दे, और दे, चल और दे, चल पूरा दे दे। ठीक है, बस छोड़ एक्सीलेटर, तेजी से दे, छोड़, अब स्लोली पूरा देता जा। थ्रोटल बॉडी खोल के साफ करेंगे, गंदा बहुत है, पर अभी प्रॉब्लम रिसॉल्व करेंगे उसके बाद के। ये ताम तो मीड़ा है, पहले ही नहीं कि फटाफट थ्रोटल बॉडी चेंज किया, ये चेंज किया, वो चेंज किया, ऐसा काम नहीं है। पहले प्रॉब्लम, उसके बाद से चाहे जो मर्जी लगा लो। सेल्फ लगा जरा, चलो अभी फिटिंग करने। तो ये सारा देख रहा ताम तो मीड़ा, सारा वायरिंग न्यू टेपिंग टूपिंग सारा कुछ ये है, अभी फाइनल होने दो। जाके हमारी गाड़ी डन हुई है, देख सकते हैं। अभी तो सीएनजी पे, अभी चेक लाइट आ रही है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, पर अब जाके गाड़ी सेट हुई है, फॉल्ट हाथ आया है, देख सकते हैं पूरा बखेर रखा है। वही बात है ना, जब तक भिड़ेंगे नहीं पता नहीं पड़ेगा। उठा के एक्सीलेटर पैडल चेंज कर दो, थ्रोटल बॉडी चेंज कर दो, ईसीयू चेंज कर दो, समाधान नहीं है ना उसका। समाधान ये है कि जो फॉल्ट है उसको हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेन वो है। हम ईसीयू या फिर थ्रोटल बॉडी या थ्रोटल पैडल, ये एक्सीलेटर पैडल, ये सब चेंज करके भी कहानी नहीं बनती। प्रॉब्लम यही करना था दोबारा भी, तभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम बिल्कुल रिसॉल्व हो गई है। वायरिंग सायरिंग पूरी ए टू जेड बखेर रखी है, देख सकते हैं आप। जगह जगह फॉल्ट था, कई जगह फॉल्ट था, एक जगह फॉल्ट नहीं था। हमने ईसीयू को क्यों नहीं किया चेक, इसलिए क्योंकि स्टार्ट तो हो रही थी गाड़ी लॉन्ग सेल्फ लेके, पर स्टार्ट हो रही थी इसलिए डाउट ईसीयू को नहीं जा रहा था, वायरिंग को ही जा रहा था। अभी वायरिंग देख सकते हैं पूरा, ये है मामला, तभी चल ही रहा है मामला अभी। बाकी अपने तरफ से देख सकते हैं सारे इंडिकेटर इधर ए टू जेड, सारी लाइटें जरूरी होती हैं, ये वाली लाइटें। अभी गाड़ी धुलवाई नहीं है, अभी तो गंदी गाड़ी है, जस का तस ही पड़ा हुआ है। सारी लाइट लुइट ए टू जेड, अभी सीएनजी पे भी है, पेट्रोल पे भी, पेट्रोल पे है,
चेक लाइट देख सकते हैं, कोई भी चेक लाइट नहीं है। और ये जो है पेट्रोल वाली लाइट है, चूंकि ठीक है पेट्रोल कम है, यहाँ चेक लाइट आती है वो नहीं है। ठीक है ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट, स्टीरियो चल रहा है, सब कुछ फिटिंग वुटिंग सारी कर दी, बस साफ सफाई और कस्टमर बतावेंगे सर्विस के लिए वो सब। अब ये रूफ लैंप ये भी जला के देख लिए, बिल्कुल ओके है। ठीक है ये सारी टेस्टिंग वायरिंग जब करते हैं ना ए टू जेड, अब जैसे एसी है ये, हाँ अब लोगों को ऐसा पता पड़ेगा कि ये देखो तेज करो। ठीक है ये एसी हो गई, अभी कूलिंग। ठीक है अब एसी। ठीक है ये सारी चीजें सब कुछ टेस्टिंग हो गई, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है अब एसी में कमी है थोड़ी सी। ठीक है तो वायरिंग जब करते हैं ना इन सारी चीजों का देख रहे हो, टेप पेप अभी भी वायर सायर, इधर को चूहे ना कुतरे हुए हैं सारे, कहाँ कहाँ दिखाऊंगा यार, फॉल्ट बहुत है, काम भी अपने पास बतेरा है। मल्टीमीटर से सारे एक एक स्टेप चेक कर करके सारे कहानी ओके हुई है। ये है गाड़ी, अब छूते स्टार्ट है गाड़ी, देखो एक बार। छूते स्टार्ट गाड़ी, एक बार और देखो, छूते स्टार्ट। ठीक है स्टार्टिंग बढ़िया हो गई, अब ब्लोअर बंद कर दो इसके। आरपीएम मीटर है नहीं लेकिन रेस बढ़िया ले रही है। अब देखो थोड़े से एक्सीलेटर में बाहर जाऊंगा, अरे इतना तो कवर कर रहा होगा। ठीक है तो यही था सारा, वायरिंग का फॉल्ट था, इंटरनल कोई भी पार्ट खराब नहीं थे, कुछ भी खराब नहीं था, ओनली वायरिंग का फॉल्ट था। और स्टेयरिंग जो कि हार्ड हो रहा था, उसकी लाइट भी आ रही थी, वो सब भी वायरिंग से डिस्टर्ब होता सारा मामला। तो अभी फिलहाल वायरिंग रिपेयर किया, गाड़ी एक्यूरेट हो गई, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो सब मिला जुला के ओके है। और आपका दिखाने का पर्पज भी यही है कि कोई भी चीज़ फालतू की ना चेंज हो, तो जो चीज़ फॉल्ट थी वो क्लियर किया। तो ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू।